Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU Campus में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लें। इस वीडियो में हम BHU BA आर्ट्स एंड सोशल के हिंदी व्याकरण वाला पार्ट को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए BHU कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पत्र और पत्रिकाएं दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले पार्ट में इसको कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए इस पार्ट में आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको व्याकरण बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में पहली पत्रिका है कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया था और इसका प्रकाशन स्थान था काशी, और ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये भी काशी से संपादित की गई थी और ये 1873 ईस्वी में की गई थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका के भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये भी काशी से संपादित की गई थी और ये 1874 ईस्वी में संपादित की गई थी। आगे देखते हैं, आनंद कादंबिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, ये मिर्जापुर से संपादित की गई थी और ये 1881 में संपादित की गई थी। अगली पत्रिका हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट, ये इलाहाबाद से संपादित की गई थी 1877 ईस्वी में। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, ये कानपुर से संपादित की गई थी 1883 ईस्वी में। अब देखते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। द्विवेदी युग की पहली पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित की गई थी, संपादन स्थान था इलाहाबाद और ये 1900 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपादन स्थान है जयपुर और ये पत्रिका 1902 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया और संपादक स्थान था काशी, 1909 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है प्रताप पत्रिका, इसके गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक थे कानपुर से, ये 1913 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है मर्यादा, जिसके संपादक है कृष्णकांत, इन्होंने प्रयागराज से 1909 ईस्वी में इसका संपादन किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रभा, इसके संपादक है कालूराम, इन्होंने खंडवा में 1913 ईस्वी में इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है सुदर्शन, देवकी नंदन खत्री ने इसका संपादन किया काशी से 1900 ईस्वी में। और पाटलिपुत्र पत्रिका का संपादन काशी प्रसाद जायसवाल ने पटना से 1914 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। छायावादी युग की पहली पत्रिका है चांद, जिसके संपादक थे राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, ये प्रयागराज से 1920 ईस्वी में संपादित की गई, ये इम्पॉर्टेंट है। अगली पत्रिका है प्रभा, इसका संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है माधुरी, इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव ने लखनऊ से 1922 ईस्वी में इसका संपादन किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विशाल भारत,
बनारसी दास चतुर्वेदी ने कलकत्ता से 1928 ईस्वी में इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है हंस, इसके संपादक प्रेमचंद थे, इन्होंने काशी से 1930 ईस्वी में इसका संपादन किया था। हंस 2016 में पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। आगे देखते हैं, आगे है समन्वय, जिसके संपादक थे निराला, इन्होंने कलकत्ता से 1922 ईस्वी में इसका संपादन किया। सरोज पत्रिका का नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने कलकत्ता से 1928 ईस्वी में इसका संपादन किया। नेक्स्ट है साहित्य संदेश, इसके संपादक गुलाब राय थे, जिन्होंने आगरा से 1937 ईस्वी में इसका संपादन किया। नेक्स्ट है मतवाला, महादेव प्रसाद सेठ निराला ने कलकत्ता से 1923 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया। ये इम्पॉर्टेंट है कर्मवीर पत्रिका, इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने जबलपुर से 1921 ईस्वी में इसका संपादन किया। नेक्स्ट है हिंदी नवजीवन, इसके संपादक महात्मा गांधी थे, अहमदाबाद से 1921 ईस्वी में इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। और लास्ट है देश पत्रिका, जिसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने पटना से 1920 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया। अब देखते हैं छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। छायावादोत्तर काल की पहली पत्रिका है प्रतीक, इसके संपादक है अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, अज्ञेय उनकी उपाधि है, और प्रकाशन स्थान था दिल्ली। दूसरी पत्रिका है कादम्बिनी, इसके संपादक है राजेंद्र अवस्थी, इन्होंने दिल्ली से इसका संपादन किया। धर्मयुग इम्पॉर्टेंट है, इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती और मुंबई से इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। अगली पत्रिका है सारिका, इसके संपादक हैं कमलेश्वर, दिल्ली से संपादित किया गया था। साप्ताहिक हिंदुस्तान, इसके संपादक मनोहर श्याम जोशी ने दिल्ली से इसका संपादन किया। हंस पत्रिका, इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव, दिल्ली से इसका संपादन किया गया। गंगा के कमलेश्वर, ये भी दिल्ली से इसका संपादन किया। नेक्स्ट है वर्तमान साहित्य, इसके संपादक हैं धनंजय, इन्होंने इलाहाबाद से इस पत्रिका का संपादन किया। और लास्ट है आलोचना, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नामवर सिंह ने दिल्ली से इस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों ये थे पत्र और पत्रिकाएं। अब चलिए व्याकरण शुरू करते हैं। दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि पद क्या है। समास में दो पद यानी शब्द होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, तो आप कोई भी समास उसका विग्रह करके पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, कर्मधारय समास। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी तो आप कोई भी समास तुरंत पहचान लेंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया गंगा धन जल, तो गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि विशेषण
और विशेष्य होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही विग्रह करने पर दोनों के शब्दों के बीच हेफन लगता है, या आप उसे योजक चिन्ह कह सकते हैं। योजक चिन्ह इसको कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन। और छठा है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में किसी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है, मतलब इसके पूर्व और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, वो किसी तीसरे की प्रधानता बताते हैं। अब हम समास को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। और जब आप उसका विग्रह करते हैं तो वो संयोजक शब्द जो है वो और शब्द में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता के बीच में जो संयोजक या योजक चिन्ह है वो और शब्द में बदल गया है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं। आप ये कह नहीं सकते कि आपके जीवन के लिए माता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पिता। इसी तरह से राम कृष्ण दोनों के गुणों में, और दोनों ही प्रभु हैं, दोनों के गुणों में भी कोई अंतर नहीं, इसलिए दोनों में कौन प्रधान है आप कह नहीं सकते। इसका विग्रह होगा राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, तो सुख और दुख। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। तो जिसके भी शुरुआत में संख्यावाची किसी संख्या का ज्ञान हो शब्द से, उसमें द्विगु समास होता है। क्योंकि आप लोग नाम से ही देखिए, द्विगु मतलब दो, इसके भी पहले पद में है, वो द्वि आया है दो। इसी से आप समझिए कि संख्यावाची जिसमें हो पूर्व पद में वो द्विगु होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए नव रत्न, नव प्लस रत्न, तो नव में नव, और इसका जो विग्रह करेंगे तो नव रत्नों का समूह, इसमें द्विगु है। सप्तदीप, सप्त में सात, इसका विग्रह होगा सात दीपों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। सत मंजिल, सात मंजिलों का समूह, तो इसमें द्विगु समास है। दोस्तों जितना सरल हो सके मैं उतना सरल आपको बता रही हूँ। तीसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद गौण का मतलब होता है कि इसमें से उत्तर पद की प्रधानता ज़्यादा होती है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग कारक चिन्ह होते हैं, इनका विग्रह करेंगे तो कारक चिन्हों का प्रयोग आप एक साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि जिनमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो उसमें तत्पुरुष समास होता है। बस आपको विग्रह करना आना चाहिए। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। इससे पहले तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, छह भेद, उन छहों के हम आपको उदाहरण सहित बताने वाले हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। को का लोप, जैसे मतदाता, तो इसका विग्रह होगा मत को देने वाला, तो इसमें को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। फिर गिरहकट, गिरह को काटने वाला, तो जो को है ये भी कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष है। दूसरा है करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, यहाँ से करण कारक का चिन्ह है। मुँह मांगा, मुँह से मांगा,
गुणहीन गुणों से हीन। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे धनहीन तो धन से हीन, यहाँ पर अलग होने का बोध होता है अपादान तत्पुरुष में। भयभीत भय से भीत, अभी करण में जो था उसमें भी से था और अपादान तत्पुरुष में भी से है। जन्मांध जन्म से अंधा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष जहां संबंध कारक का चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर प्रेम का सागर, यहाँ का जो है वो संबंध कारक को बताता है, संबंध कारक का चिन्ह है। दिनचर्या दिन की चर्या, भारत रत्न भारत का रत्न। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण नीति में निपुण, तो जो में है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। आत्मविश्वास आत्म आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार। इससे पहले आपको जो अगर तत्पुरुष समास को समझना है तो कारक के जो चिन्ह हैं आप बस उसको ध्यान में रखें और आपको विग्रह का विग्रह सही से आना चाहिए, पता चल जाएगा कि तत्पुरुष समास कहाँ है। नेक्स्ट समास देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। मैंने और भी जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाया उसमें कर्मधारय समास पूछा गया था, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है जैसे तत्पुरुष समास में। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। काली मिर्च, तो मिर्च आप अगर विग्रह नहीं जानते हैं तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं कि मिर्च संज्ञा है, विशेष्य को संज्ञा कहा जाता है। और मिर्च की क्या विशेषता है, मतलब मिर्च का विशेषण है कि वो काली है, तो इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा काली है जो मिर्च। फिर नीलकमल, कमल जो है वो विशेष्य है संज्ञा है और इसकी क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो नीला है जो कमल। पीतांबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा, और ये जो कपड़ा है अंबर है इसकी विशेषता है कि ये पीत है मतलब पीला है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास कहाँ होता है। चंद्रमुखी मुख विशेष्य है और चंद्र विशेषण, चंद्र के समान मुख वाली। फिर सद्गुण, तो सद है जो गुण, गुण की क्या विशेषता है कि वो दुर्गुण नहीं है वो सद्गुण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आप एक बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूर्व पद अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पे किसी भी लिंग या वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे आपको उदाहरण में बताते हैं, यथा स्थान, इसमें स्थान जो है वो विशेष्य है और यथा अव्यय स्थान के अनुसार। आजीवन, इसमें जीवन विशेष्य है या संज्ञा है और आ जो है वो अव्यय है। प्रतिदिन, ये 2018 में पूछा गया है। प्रतिदिन में दिन विशेष्य है संज्ञा और प्रति जो है अव्यय है, इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जहां पर यथा आ प्रति इन सब वर्णों का प्रयोग हो, इन सब शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा।
लास्ट है बहुव्रीही समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थात तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीही समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है अर्थात जिसकी ऊंची आत्मा वाला, महान आत्मा वाला। नील कंठ, तो नीला कंठ है जिनका अर्थात शिवजी। कभी कभी कर्मधारय और बहुव्रीही समास में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि नीलकंठ में एक तरह से कर्मधारय समास भी होगा, क्योंकि कंठ जो है वो विशेष है और कंठ नीला है, ये उसका विशेषण है। पर ये किसी तीसरे की विशेषता बताता है ऐसा कह सकते हैं। अगर आप किसी को पर्यायवाची शब्द है किसी का, या फिर उसकी विशेषता के अनुसार उसको कोई विशेषण प्राप्त हो, तो उसमें बहुव्रीही समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। ये इसमें दो पद हैं, इसमें है गिरि और धर। ये दोनों पदों की विशेषता नहीं बता रहा, ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, इसमें इसलिए इसमें बहुव्रीही समास है। और लास्ट है इसका उदाहरण मक्खी चूस, तो मक्खी चूस ये दोनों ही शब्द किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं कि वह जो व्यक्ति है वह बहुत कंजूस है, तो बहुत कंजूस व्यक्ति। दोस्तों ये था समास, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक है उपसर्ग, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। उपसर्ग का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। आदि मतलब शुरुआत में जुड़ करके, जैसे हार में आ जोड़ देने पर हो जाएगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन, और उसमें अगर आप सम जोड़ देंगे तो संहार हो जाएगा, मतलब विनाश। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13, उर्दू और फारसी के उपसर्ग की संख्या 19 है। हम लोग हिंदी के उपसर्ग को कवर करेंगे, इसमें हम आपको उपसर्ग, उसका अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले कुछ उदाहरण बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, और इसके उदाहरण है अछूता, अथाह और अटल इत्यादि। दूसरा है अन उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, और इसका उदाहरण है अनजान, अनमोल, अलग, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। तीसरा उपसर्ग है क, का अर्थ होता है बुरा या हीन, इसका उदाहरण है कपूत, कचोट इत्यादि। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, इसका उदाहरण है कुचाल, कुचैला, कुचक्र इत्यादि। पांचवा दु उपसर्ग है, इसका भी अर्थ होता है बुरा, हीन या फिर विशेष, इसका उदाहरण है दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। नेक्स्ट है बिन, इसका अर्थ होता है बिना या निषेध, इसका उदाहरण है बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने इत्यादि। सातवां उपसर्ग है नि, इसका अर्थ है अभाव या विशेष, इसका उदाहरण है निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। नेक्स्ट है औ या फिर अव उपसर्ग, इसका अर्थ होता है हीन, निषेध के अर्थ में, इसका उदाहरण है अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान इत्यादि। नेक्स्ट है भर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पूरा, इसके उदाहरण है भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। नेक्स्ट है सु, सु का अर्थ होता है अच्छा,
इसके उदाहरण है सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल इत्यादि। नेक्स्ट है अध, इसका अर्थ होता है आधे अर्थ में। इसके उदाहरण है अधजला, अधखिला, अधपका, अधकचरा, अधकच्चा, अधमरा इत्यादि। नेक्स्ट है उन, उनका अर्थ होता है एक कम। इसके उदाहरण है 29, 49, 59 इत्यादि। लास्ट है पर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दूसरा या बाद का। इसका उदाहरण है परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित इत्यादि। आइए अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इससे दो प्रश्न आते हैं इंट्रेंस में। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरा है तद्भव शब्द, ये वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव होगा आग, अंध का अंधा, अमृत का अमी, अर्ध का आधा, अष्ट का आठ, अश्रु का आंसू, आक्षी का आंख, अज्ञानी का अनजान, आम्र का आम, आद्रक का अदरक, आश्चर्य का अचरज, आशीष का आशीष, ओष्ट का ओट या फिर होट, इक्षु का ईख, उलूक का उल्लू, ऊष्ट्र का ऊंट, एकादश का ग्यारह, कच्छप का कछुआ, कटु का कड़वा, कंदुक का गेंद, कपाट का किवाड़, कपर्दिका का कौड़ी, कर्ण का कान। ये 2018 में पूछा गया था कि आप तद्भव शब्द चुनिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि तत्सम कौन सा नहीं है, उसमें कान ऑप्शन में था। कर्पूर का कपूर, कार्य का काज, काष्ठ का काट, कुपुत्र का कपूत, कुब्ज का कुबड़ा, कुंभकार का कुम्हार, कुमार का कुंवर, कुष्ठ का कोढ़, कूप का कुआं, कोकिल का कोयल, कोटि का करोड़, गर्जन का गरज, गर्दब का गधा, ग्रंथि का गांठ, ग्राम का गांव, गोधूम का गेहूं, गौर का गोरा, गृध का गीध, गृह का घर, घटिका का घड़ी, घृत का घी, चंचु का चोंच, चतुर्थ का चौथा, चंद्र का चांद, चर्मकार का चमार, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चैत, चौर का चोर, छिद्र का छेद, ज्येष्ठ का जेठ, जिह्वा का जीव, ताम्र का तांबा। दोस्तों इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं, सबको बता पाना संभव नहीं है। आप लोग एक बार इन पूरे उदाहरण को एक बार देख लें। इसके अतिरिक्त अनेक शब्द का एक शब्द से एक प्रश्न आता है, पर्यायवाची से भी एक प्रश्न आता है। ये सब बहुत ही साधारण टॉपिक हैं, ये आप लोग देख लें और इंट्रेंस में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। मुहावरे से भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप वो सब भी देख लें। आपको इस PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लें। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।